हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें यह बताना है कि ट्राइंगल बी सी ए कौन से ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप यहाँ पर इजिली चेक कर सकते हैं कि इस डायग्राम में हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर जो एक ट्राइंगल हमें गिवन है वो है ट्राइंगल बी सी ए। देखिए ट्राइंगल बी सी ए नीचे की तरफ है, बी सी ए ये वाला एक ट्राइंगल हुआ। अब ये जो ऊपर की तरफ ट्राइंगल है यही ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस ट्राइंगल का नाम हम यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि इस ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम कई तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे कि इसको हम ट्राइंगल बी टी ए कह सकते हैं, इसको हम ट्राइंगल बी ए टी भी कह सकते हैं, या हम इसको ट्राइंगल ए बी टी भी कह सकते हैं, या ए टी बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ट्राइंगल बी सी ए है, तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का नाम किस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे, यही हमें बताना है। हम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा मेथड बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कि इस ट्राइंगल के देखिए हमें तीन वर्टेक्स यहाँ पर गिवन है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स ए। हमें दूसरे ट्राइंगल में इन्हीं वर्टिसेस के कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस चेक करने हैं, कि दूसरे ट्राइंगल में बी का कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन सा होगा, दूसरे ट्राइंगल में सी का कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन सा होगा, और दूसरे ट्राइंगल में ए का कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन सा होगा। जैसे ही हमें दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस पता चल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि दूसरे ट्राइंगल का नाम हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा बी वर्टेक्स एंड बी वर्टेक्स आर कोरस्पोंडिंग। देखिए ये दोनों ही बी वर्टेक्स हैं, और यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में भी बी वर्टेक्स है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी बी वर्टेक्स है, और दोनों में देखिए सेम सिंबल भी गिवन है। इसका मतलब है ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बी वर्टेक्स दोनों ही ट्राइंगल्स में है और सेम सिंबल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कोरस्पोंडिंग है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि सी वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग कौन सा वर्टेक्स होगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां सी वर्टेक्स के ऊपर देखिए सिंबल दिया हुआ है, छोटा सा डॉट बनाया गया है यहां पर, और यही डॉट यानी सेम सिंबल यहां टी वर्टेक्स पे दिया गया है, यानी सी वर्टेक्स और टी वर्टेक्स इक्वल है, तो ये आपस में कोरस्पोंडिंग भी है। तो यहां पर सी वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग कौन सा वर्टेक्स आएगा दूसरे ट्राइंगल से, टी वर्टेक्स। इसके बाद हमने लिखा है स्टूडेंट्स, ए वर्टेक्स एंड ए वर्टेक्स आर कोरस्पोंडिंग, यानी दोनों ही ट्राइंगल में ए वर्टेक्स आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग है। अब देखिए जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी ए जो ऑलरेडी हमें गिवन है, इस ट्राइंगल में यहाँ पर ए वर्टेक्स को देखिए, इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये टी सी एक लाइन सेगमेंट है, और उसके ऊपर ये देखिए ये ए बी एक परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो लाइन है ए बी, ये परपेंडिकुलर बना रही है, तो अगर ये इस साइड परपेंडिकुलर बना रही है तो ये इस साइड भी परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी अगर इस साइड 90 डिग्री एंगल है तो इस साइड में भी 90 डिग्री एंगल होगा, यानी कि इस साइड में और इस साइड में दोनों ही तरफ जो ए वर्टेक्स है वो इक्वल आ रहा है। यहां पर भी ये 90 डिग्री बना रहा है और यहां पर भी ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब जो ए वर्टेक्स इस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल बी सी ए में, वही ए वर्टेक्स इस ट्राइंगल में, यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है जिसका नाम अभी हम चेक करेंगे, उसमें जो ए यहां पर है सेम यही ए यहां पर है, यानी कि दोनों आपस में कोरस्पोंडिंग है। तो यहां पर ए और ए भी आपस में कोरस्पोंडिंग हो गए। अब हम इजिली यहां पर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां से देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बी सी ए, तो यहां से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बी टी ए। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी टी ए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि हमने जो यहां पर लिखा था वो बिल्कुल यहां पर मैच कर रहा है कि बी वर्टेक्स के ही कोरस्पोंडिंग है। तो यहां पर देखिए जो पोजीशन यहां बी वर्टेक्स की है वही पोजीशन यहां बी वर्टेक्स की है, दोनों ही फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद यहां हमने क्या देखा था कि सी वर्टेक्स टी वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग है, तो देखिए सेकंड नंबर पे यहां सी वर्टेक्स है तो यहां पर टी वर्टेक्स है सेकंड नंबर पे। उसके बाद हमने देखा था कि ए वर्टेक्स के साथ कोरस्पोंडिंग है, तो यहां पर देखिए थर्ड पोजीशन पे कौन है, ए वर्टेक्स, तो यहां पर भी थर्ड पोजीशन में कौन आया, ए वर्टेक्स। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी टी ए।
तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर आपको एक ट्रायंगल का नाम गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो आपको दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आपस में मैच करने हैं और उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक और डायग्राम गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और इस बार हमसे पूछा गया है कि ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे ट्रायंगल के और उस दूसरे ट्रायंगल का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो पिछले पार्ट की तरह इस बार भी हम वही मेथड अपनाएंगे। इस ट्रायंगल में हमें नाम गिवन है क्यू आर एस, तो हम क्यू आर एस इन तीनों वर्टिसेस के कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स चेक करेंगे दूसरे ट्रायंगल में। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स क्यू आर एस, देखिए क्यू आर एस ये ट्रायंगल यहाँ पर है और दूसरा ट्रायंगल देखिए ये रहा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये जो क्यू वर्टेक्स है ये इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में यूज हो रहा है। अब हमें क्यू आर एस इन तीनों वर्टिसेस के, यानी कि ये जो तीन वर्टिसेस हैं क्यू आर एस इनके कॉरस्पोंडिंग वर्टिसेस यहाँ पर चेक करने हैं जो ये वाला ट्रायंगल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिखा है Q और T, ये दोनों वर्टिसेस आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स Q पे देखिए ये सिंबल आपको नजर आ रहा है और यही सेम सिंबल आपको T वर्टेक्स पे भी नजर आएगा। तो Q वर्टेक्स और T वर्टेक्स आपस में क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद हमने लिखा है R वर्टेक्स और P वर्टेक्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखिए स्टूडेंट्स R वर्टेक्स पे देखिए डबल सिंबल दिया गया है और यही सेम सिंबल यानी यही डबल सिंबल देखिए यहाँ पर P वर्टेक्स पे भी दिया गया है। तो R वर्टेक्स और P वर्टेक्स आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। इसके बाद हमने लिखा है S वर्टेक्स और Q वर्टेक्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ S वर्टेक्स को देखिए इसमें ये पॉइंट दिया गया है और यही सेम पॉइंट यही सेम सिंबल यहाँ क्यू वर्टेक्स के साथ इस ट्रायंगल में गिवन है। तो इस ट्रायंगल का ये क्यू वर्टेक्स और इस ट्रायंगल का ये एस वर्टेक्स आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स ये वाला जो क्यू वर्टेक्स है ये वाला क्यू वर्टेक्स इस ट्रायंगल क्यू आर एस में से ये वाले क्यू से लिया गया है और ये वाला जो क्यू वर्टेक्स है वो इस ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें इस वाले क्यू वर्टेक्स से यहां से लिया गया है, क्योंकि ये जो क्यू वर्टेक्स है ये इन दोनों ही ट्रायंगल्स में यूज हो रहा है। अब हम यहां आसानी से चेक कर सकते हैं कि यहां से देखिए कौन सा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल क्यू आर एस, और यहां से कौन सा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल टी पी क्यू। तो यहां पर हमने लिखा ट्रायंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको एक ट्रायंगल का नाम गिवन हो और आपको चेक करना है कि वो कौन से ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो आप सिंपली एक ही काम करेंगे, जो ट्रायंगल का नाम आपको गिवन है उन तीनों वर्टिसेस के कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस आप दूसरे ट्रायंगल में चेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा क्यू के कोरस्पोंडिंग टी है, फिर आर के कोरस्पोंडिंग पी वर्टेक्स है और एस के कोरस्पोंडिंग क्यू वर्टेक्स है, तो उसके बाद हमें वो दूसरे ट्रायंगल का नाम मिल जाता है। जैसे यहाँ हमें ट्रायंगल क्यू आर एस के कोरस्पोंडिंग कौन सा ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल टी पी क्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।